राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को भारत के मुंबई शहर में हुआ था। इनकी माता इंदिरा गांधी और पिता फिरोज गांधी थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में पूरी की। इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। वहीं पर उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज और इंपीरियल कॉलेज में आगे की पढ़ाई पूरी की। राजीव गांधी ने भारतीय एयरलाइंस में पायलट के रूप में काम किया। उनके भाई संजय गांधी की सन 1980 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका राजनीति में आगमन देर से हुआ। सन 1984 में उनकी माता इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वे भारत के सबसे युवा और छठे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी। वे सन 1984 से 1989 तक इस पद पर बने रहे। राजीव गांधी की शादी सोनिया माइनो से हुई, जो इटली देश की रहने वाली है। उनके दो बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। 21 मई 1991 को राजीव गांधी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में चुनाव प्रचार के बाद वो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर पहुंचे। प्रचार करते करते रात के 10 बज चुके थे। रैली स्थल पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उनसे मिलने के लिए पुरुषों और महिलाओं की दो अलग अलग गैलरी बनाई गई थी। यहीं पर आतंकवादी महिला और उसके साथी भीड़ में खड़े हुए थे। पुरुषों से मिलने के बाद जब वो महिला गैलरी का दौरा करने आए तो एक महिला बार बार उनके पास आने का प्रयास कर रही थी, जिसे एक पुलिसकर्मी ने रोका। तो राजीव गांधी ने पुलिसकर्मी को महिला को नहीं रोकने का इशारा किया। ये महिला उनके पास आई और जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकी, उसने अपनी ड्रेस में बंधी आरडीएक्स की बेल्ट में विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट में राजीव गांधी, उनकी हत्यारी धनु और 14 अन्य लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। यह हमला प्रतिबंधित संगठन लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के द्वारा किया गया था। उनकी हत्या से पूरे देश में शोक की लहर छा गई। इसके बाद से हर साल 21 मई को राजीव गांधी की स्मृति में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। राजीव गांधी की कहानी हमें सिखाती है कि कट्टरपंथी सोच और संगठन हमेशा देश और दुनिया के लिए नुकसानदायक होते हैं।